नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां शुक्रवार को भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ आजमगढ़ लालगंज गोरखपुर क्षेत्र दिव्यांग सम्मेलन हुआ। बता दें तो मानसिक दिव्यांग आवासीय विद्यालय ध्यानीपुर अत्रौलिया में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिव्यांग प्रकोष्ठ गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर राजेश सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व प्रदेश की सरकार ने दिव्यांगों और को सामाजिक सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हुए दिव्यांग जनों को इनकी दिव्यांगता के प्रकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से जोड़ रही है। इन्हें आम जन सुविधा हेतु मोटराइज साइकिल एवं ट्राई साइकिल तथा दिव्यांग की आवश्यकता अनुसार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है। वही कार्यक्रम के संयोजक संचालक योगेंद्र ने कहा कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। वर्तमान सरकार ने 300 से 1000 पेंशन किया है तथा इनका रोजगार कार्यक्रमों से जोड़ते रहने का काम किया है। कार्यक्रम में लालगंज के जिला संयोजक राजेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में दिव्यांगजनों के लिए विकास के लिए कटिबद्ध है। कार्यक्रम में मऊ जिला के सह संयोजक शैलेंद्र सिंह, राकेश कुमार शाही, सुनील तिवारी, हेतराज एवं संस्था की प्रबंधक सुमनीता देवी, गंगा प्रसाद, श्री राम, जय सिंह, अजय कुमार तथा सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर राजेश सिंह ने, आप सुनिए। मैं डॉक्टर राजेश सिंह, दिव्यांग प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र का संयोजक। जैसे सर, आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया? ये दिव्यांग जन सम्मेलन है और प्रत्येक जिले में चलाया जा रहा है। उसी क्रम में हम दिव्यांग विद्यालय, जो यहाँ आवासीय विद्यालय है, मानसिक दिव्यांग आवासीय विद्यालय पर ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ये हमारे योगेंद्र जी हैं। योगेंद्र जी इसके यहाँ के कार्यक्रम के संयोजक हैं और ये दिव्यांग विद्यालय चलाते हैं। तो इनको यह दिया गया कि इनको यह जिम्मेदारी दी गई कि आप एक सम्मेलन को बढ़िया कराइए। तो भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में यह कार्यक्रम चल रहा है। दिव्यांगों के लिए सरकार की क्या नई योजनाएं हैं? दिव्यांगों के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें इनको जो प्राकृतिक अंग का वितरण है, कृत्रिम अंग का, वो दिया जाएगा। फिर उसके बाद इनको ट्राई साइकिल का वितरण है, पेंशन योजना से संबंधित है। इनको इनके अंदर जो सरकार जो एक तरह से पेंशन की वृद्धि कर रही है और जो सामाजिक सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही, इनको नया जीवन यापन व्यतीत करने के लिए इनके अंदर जज्बा भर रही है। ये कुशल नेतृत्व कर सकें, कुशल कारीगर बन सकें, कुशलता के साथ कार्य कर सकें, जिस क्षेत्र में इनको संबल प्रदान कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही अच्छे तरीके से पॉलिसी बना करके और दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए प्रोत्साहन के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो भी इनकी उसके लिए सरकार की योजनाएं हैं, आवास की योजनाएं हैं, जिनके मकान नहीं है उनके मकान के लिए, जिनके पास शौचालय नहीं उनके शौचालय के लिए, पेंशन के लिए, उनके घर तक रोड के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है और यह सूचना मांग करके और यह बनवाती है।